स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। खुफिया जानकारी के बाद नगरोटा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर नाके पर आने जाने वाले वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बान टोल प्लाजा के पास एक नाका लगाया था। वाहनों की जांच के दौरान आतंकवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों पर सुबह 5 बजे फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद आतंकी जंगल की तरफ भागने लगे, फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों ने बताया है कि एनकाउंटर में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। एनकाउंटर के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्र राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने बताया कि मारे गए सभी आतंकी जैशे मोहम्मद से जुड़े हुए थे। मारे गए 4 आतंकियों में से 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं। चौथे आतंकी के शव की तलाश की जा रही है। DGP दिलबाग सिंह ने बताया कि इस एनकाउंटर के कुछ पुलिसकर्मियों को भी मामूली सी चोटें आई हैं। जम्मू के SSP श्रीनगर पाटिल भी मामूली रूप से घायल हो गए हैं। कश्मीर को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो चुकी है। ट्रक में सवार जैश के 4 आतंकी ढेर। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। देश में बढ़ते कोरोना के आंकड़े को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अगले 3-4 महीनों में तैयार हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 135 करोड़ भारतीयों को इसे मुहैया कराने की प्राथमिकता वैज्ञानिक मूल्यांकन पर आधारित होगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बात पक्की की FLO के एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मुझे विश्वास है कि अगले 3-4 महीने में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। वैक्सीन की प्राथमिकता वैज्ञानिक डेटा के आधार पर तय की जाएगी। स्वास्थ्य कर्मचारी और कोरोना वायरस को स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद बुजुर्ग और रोग ग्रस्त लोगों को टीका दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए बहुत विस्तृत योजना पर काम चल रहा है। इसके ब्लूप्रिंट पर चर्चा करने के लिए एक ई वैक्सीन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उम्मीद है 2021 में हम सभी के लिए एक बेहतर साल आएगा। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में कोरोना महामारी भयानक रूप ले चुकी है। महज 10 दिनों में दिल्ली में करीब 60,000 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी में 24 घंटे में मौत का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। बीती रात जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कल सबसे ज्यादा 131 लोगों ने जान गंवाई है। अब तक 24 घंटे में इतनी संख्या में कोरोना से जान नहीं गई थी। वहीं 24 घंटे में 7,886 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कल 6,901 मरीज रिकवर हुए थे। तेजी से बढ़ते आंकड़ों और घटती स्वास्थ्य सेवाओं ने हालात को भयानक बना दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल GTB अस्पताल पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि GTB अस्पताल में 232 ICU बेड बढ़ाने की बात पर सहमति बन गई है। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं साझा युद्ध अभ्यास कर रही हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास का आज तीसरा दिन है। चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत के 3 दोस्तों का साझा युद्ध अभ्यास सीधे सीधे चीन को संकेत है कि एशिया का नया बॉस अब चीन नहीं हिंदुस्तान है। मालाबार युद्ध अभ्यास की तस्वीरों को देखकर अतिक्रमणवादी चीन के दिल में खौफ भराया होगा। विस्तारवादी चीन को सेना के पैर कांप रहे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध अभ्यास नहीं, बल्कि ये चीन के खिलाफ 4 महाशक्तियों का चतुर्भुज चक्रव्यूह है। अरब सागर से आई युद्ध अभ्यास की तस्वीरों ने चीन की चिंता बढ़ा दी होगी। ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवी का साझा युद्ध अभ्यास है। अरब सागर से चीन की कोई सीमा नहीं लगती, लेकिन 4 महाशक्तियों के इस युद्ध अभ्यास ने से निकली संदेश हजारों किलोमीटर दूर बीजिंग तक जरूर पहुंच गया होगा। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। यह सम्मेलन 19 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI और MS एक्टिविटी टेक कम्युनिकेशन
ने साथ मिलकर किया है। इस खास कार्यक्रम में नई तकनीक के साथ महामारी के बाद आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा हुई है। साथ ही बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में 2020 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस, स्विस परिसंघ के वाइस प्रेसिडेंट गाय पॉर्मेलिन और कई अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां हिस्सा लेंगी। इसके अलावा भारत और दुनिया भर के अनुभवी नेता, उद्योग प्रमुख, टेक्नोक्रेट, शोधकर्ता, इनोवेटर और निवेशक, नीति निर्माता और शिक्षक भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। सीबीआई की छानबीन के अधिकार आधार पर क्षेत्र में उठ रहे सवाल पर सामने आता है कि क्या जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्यों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि एक प्रधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में जिसमें शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होगी, ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के एक आदेश जारी किया गया है और कहा गया है कि राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अनुमति वापस ली जाती है। हालांकि जांच की अनुमति महाराष्ट्र सरकार के वापस लेने से फिलहाल चल रही है छानबीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर भविष्य में सीबीआई महाराष्ट्र में किसी नए मामले की जांच पड़ताल करना चाहती है तो उसे राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत होगी, जब तक कि अदालत की तरफ से जांच के आदेश नहीं आ जाते हैं। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी दादी को शक्ति स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी वानर सेना बनाई और सोनिया के साथ काम किया था। अपनी दादी इंदिरा को याद करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनॉट के सांसद राहुल गांधी ने उन्हें शक्ति का स्वरूप बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एक कार्यकुशल प्रधानमंत्री और शक्ति स्वरूप पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर श्रद्धांजलि। पूरा देश उनको प्रभावशाली नेतृत्व की आज भी मिसाल देता है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपनी प्यारी दादी के रूप में ही याद करता हूं। उनकी सिखाई हुई हर बात मुझे निरंतर प्रेरित करती है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी दोनों की ही कीमत के भाव में गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर दिसंबर वायदा के सोने का भाव गुरुवार सुबह 0.29% या 146 रुपए की गिरावट के साथ 50,170 रुपए की प्रति दिखाई दिया। वहीं 5 फरवरी को 221 के सोने का वायदा भाव इस समय 0.36% पर दिखा 190 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड करता दिखाई दिया। साथ ही वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमतों में गिरावट दिखाई दी है। चांदी के भाव में गुरुवार सुबह अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स पर दिसंबर वायदा की चांदी का भाव 0.87% या 542 रुपए की गिरावट के साथ 62,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड करता दिखाई दिया। वैश्विक बाजार में भी चांदी की वायदा और हाजिर दोनों कीमतों में गुरुवार सुबह गिरावट देखी गई। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने हाल ही में बिहार के एक यूट्यूबर पर 500 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। यूट्यूबर पर आरोप है कि उसने अपने एफएफ न्यूज नाम के यूट्यूब चैनल पर मुंबई पुलिस, आदित्य ठाकरे और अक्षय कुमार के खिलाफ गलत जानकारी और अपमानजनक वीडियो पोस्ट कर रखे थे। इतना ही नहीं, यूट्यूबर ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके बारे में गलत जानकारी वाले वीडियो अपलोड किए थे जिससे उसने 15 लाख की कमाई की थी। मामला सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि बाद में उसे इस शर्त पर जमानत मिल गई कि वो जांच में पुलिस के साथ सहयोग करेगा। मिड डे की खबर के मुताबिक यूट्यूबर का नाम राशिद सिद्दीकी
सिद्दीकी है जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। राशिद बिहार का रहने वाला है और पेशे से सिविल इंजीनियर है। राशिद एफएफ न्यूज नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाता है जिस पर उसने मुंबई पुलिस, आदित्य ठाकरे और अक्षय कुमार के खिलाफ कुछ अपमानजनक वीडियो पोस्ट कर रखे थे। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने 3 नवंबर को हुए चुनाव में जीत दर्ज की है। ट्रंप ने इसके साथ ही पूरे अमेरिका में चुनाव में धांधली के आरोपों को भी दोहराया। साथ ही ट्रंप ने बड़े अक्षरों में ट्वीट किया और लिखा, मैंने चुनाव में जीत दर्ज की है, पूरे देश में चुनाव में धोखाधड़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का एक ट्वीट अमेरिका के मानचित्र के साथ टैग किया जिसमें कहा गया कि उन्हें पिछले चुनाव के मुकाबले 1.01 करोड़ अधिक मत मिले हैं जिसमें हिस्पैनिक बहुत इलाके में भी शामिल हैं। बता दें कि मीडिया ने जो जो बाइडन को चुनाव का विजेता घोषित किया था। अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए 538 सदस्यीय इलेक्ट्रोरल कॉलेज में 270 इलेक्ट्रोरल वोट की जरूरत होती है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडन 270 से अधिक इलेक्ट्रोरल वोट से जीते थे। चुनाव के औपचारिक नतीजे अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। बाकी की सारी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ।